गाइस वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। आज हम बात करेंगे ऑल इन वन एसईओ की। आज हम सीखेंगे ऑल इन वन एसईओ कैसे आपको हेल्प करेगा ऑर्गेनिक रिजल्ट्स लाने के लिए आपकी वेबसाइट पर, और किस तरह के आपको फीचर्स यहां पर मिल जाते हैं। साथ में हम बात करेंगे उनके प्रो अपग्रेड प्लान्स की कि क्या क्या आपको उनके प्रो और अपग्रेड प्लान में आपको मिल जाता है। उससे पहले अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखना चाहते हैं। ऑल इन वन एसईओ सीखने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। अगर आप एसईओ ऑल इन वन एसईओ अगर आप चाह रहे हैं खरीदना और यूज करना चाह रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए, वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, तो आप aiosseo.com करके आप डायरेक्टली यहां पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। लिंक मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप ऑल इन वन एसईओ के थ्रू आप लोकल एसईओ, वूकॉमर्स एसईओ, एसईओ ऑप्टिमाइजर, एडवांस एसईओ मॉड्यूल्स, स्मार्ट साइट मैप्स एंड रिच स्प्लिट टाइप की चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, ऑल इन वन एसईओ इज द बेस्ट वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन, हियर द फीचर्स दैट मेक्स ऑल इन वन एसईओ द मोस्ट पावरफुल एंड यूजर फ्रेंडली वर्डप्रेस प्लगइन इन द मार्केट। थ्रू एसईओ ऑन पेज एनालिसिस, रिच स्प्लिट स्कीमा, लोकल एसईओ, स्मार्ट एक्सएमएल साइट मैप्स, वीडियो एसईओ साइट मैप, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, लिंक असिस्टेंट, वूकॉमर्स एसईओ ऑडिट चेकलिस्ट, रिडायरेक्शन मैनेजर, गूगल न्यूज मैप्स और robot.txt एडिटर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें इनके प्राइसिंग की, तो आपको चार तरह के यहाँ पर प्लान्स मिल जाते हैं, इलाइट, प्रो, प्लस और बेसिक, जो $299 से स्टार्ट होकर $449 तक जाते हैं। और या फिर कहें कि जो बेसिक है आपका चार्ज वो $49 है, प्लस आपको $99 का पड़ेगा प्रो, $199 और $299 में आपको इलाइट मिल जाएगा। जहां पर बेसिक आपको देखो सब में अनलिमिटेड कीवर्ड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप बेसिक, प्लस, प्रो या इलाइट में जाए, बट आपको यहाँ पर नंबर ऑफ द वेबसाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप सिंगल यूजर है, अगर आप एक सिर्फ ब्लॉगर है, तो $49 पर ईयर आपके लिए ठीक है। आपके पास दो या तीन वेबसाइट्स है तो $99, और अप टू 10 वेबसाइट्स आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं $199 के साथ, और 100 साइट्स आप ऑप्टिमाइज कर पाएंगे $299 के साथ। तो अगर देखा जाए तो बेसिक आएगा एक सिंगल ब्लॉगर के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइडर के लिए आपको $99 ठीक पड़ जाएगा। आपको अगर आपके पास दो या तीन वेबसाइट्स है अपनी खुद की, और $199 आपको पड़ जाएगा अगर आप एक छोटी एजेंसी है तो, और $299 आपको पड़ेगा अगर आप एक काफी ज्यादा मैनेज कर रहे हैं अपनी क्लाइंट्स के लिए एसईओ वर्डप्रेस से रिलेटेड। तो ये प्लान आपकी नीड्स के हिसाब से यहाँ पर पढ़ते हैं, और अभी ऑफर भी चल रहा है, 60% ऑफर चल रहा है, आप देख पाएंगे यहाँ पर, और मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको देखो फीचर्स जो हैं लगभग सेम मिल जाते हैं, आपको API वगैरह भी यहाँ पर मिल जाती है जो आपको यूज करेगी WooCommerce के लिए अदर फीचर्स ऐड करने के लिए। अगर हम लोग फीचर्स में बात करें तो एसईओ ऑडिट चेकलिस्ट आपको मिल जाती है, एनालाइज योर साइट्स इन 1 second, एंड यू कैन ऑल्सो गेट डिटेल इंटरेक्शन टू फिक्स एरर, स्कैन एंड ऑप्टिमाइज योर साइट फॉर स्पीड एंड परफॉर्मेंस इशू, ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर टू मैनी थिंग्स विद द ऑल इन वन एसईओ। थ्रू एसईओ ऑन पेज एनालिसिस की अगर आप बात करें तो गेट एक्सेलरेबल इनसाइट्स विद द स्मार्ट ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, यहाँ पर आपको स्कोर मिल जाएगा, कितना स्कोर है आपका हेडलाइन का और टाइटल्स का, और एरर कितने हैं, All the settings you need to optimize each post and page on your site. आप हर एक पेज की सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं, कस्टमाइज योर टाइटल टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन, एड ए मेन कीवर्ड्स प्लस एडिशनल रिलेवेंट कीवर्ड टू गेट एक्शनेबल ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, कस्टमाइज योर सोशल मीडिया मेटा डिस्क्रिप्शन, सेट ए क्रॉनिकल URL, इवन कस्टमाइज पेज अथॉरिटी इन योर साइट मैप, यू ऑल्सो डू द मैक्सिमाइज योर क्लिक थ्रू रेट। All in one SEO include tips on optimizing your title tags so you can maximize your CTR, get more traffic and boost your ranking on SERP. Dynamic changes for your title tags, use smart tags to dynamically add information to your title tags and meta description. And अगर हम आगे और फीचर देखें WooCommerce SEO जो आपको काफी यूजफुल रहेगी, अगर आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो
आपको यहाँ पर रीच योर कस्टमर एट द मोमेंट दे आर सर्चिंग फॉर यू, आपको ऑप्शन मिल जाएगा बहुत सारे कस्टमर्स को यहाँ पर जाने के लिए, रीच करने के लिए. 85% कंज्यूमर सर्च बिफोर मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज, विल दे फाइंड योर स्टोर, क्या वो आपका स्टोर ढूंढ पा रहे हैं. तो ऑल इन वन एसईओ अगर आप यूज करेंगे तो शायद आपको रैंक मिल जाए, आपके प्रोडक्ट पर वो विजिट कर सके, ऐसा कहना है ऑल इन वन एसईओ का. एंड ये बोलते हैं कि ये 20 गुना आपकी, लाइक 20 गुना आपकी मोर क्लिक्स और एड्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको वेब ट्रैफिक लाके दे सकते हैं. इजिली ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, सेट साइड वाइड डिफॉल्ट्स टू ऑप्टिमाइज एवरी पेज, डायनेमिक कंटेंट टैग्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन विद द राइट कंटेंट, इंडिविजुअली ऑप्टिमाइज ईच प्रोडक्ट कैटेगरी एंड टैग आर्काइव पेज टू मैक्सिमाइज रैंकिंग. सो देखो, अपने आप ही अगर सपोज आपने टाइटल टैग्स या फिर अपना मेटा डिस्क्रिप्शन अपने खुद से नहीं डाला है, ऑल इन वन एसईओ क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को अपने आप रिकॉग्नाइज करेगा और आपको खुद से वो टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाकर देगा, जो आपको हेल्प करेगा अपने आपकी वेबसाइट पर नंबर ऑफ द क्लिक्स और वहां पर आपको रिलेवेंट ट्रैफिक लाने के लिए. टेक कंट्रोल ऑफ योर प्रोडक्ट इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड रैंक इवन हायर, आप अपनी इमेज को यहाँ पर अच्छे से यूज कर सकते हैं इमेज एसईओ के थ्रू, जो ऑल इन वन एसईओ अपने आपको देता है अपना फीचर्स. ऑप्टिमाइज ईच प्रोडक्ट इमेज विद द ऑल टैग्स, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट अटैचमेंट यूआरएल्स टू रिमूव थिन कंटेंट ऑफ योर साइट, जो बड़े कंटेंट है उनको यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, जो छोटे कंटेंट है उसको अगर आप चाह रहे हैं जिस तरह से आपकी वेबसाइट परफॉर्मेंस करे, किस तरह से आपके पेजेस ओपन हो, वो आप यहाँ पर आराम से आपको रिडायरेक्ट और ये सब अटैचमेंट आपको यहाँ पर लाके देगा. यूज स्मार्ट टैग इन योर इमेज टाइटल एंड ऑल एट्रीब्यूट्स टू अपेंड द साइट टाइटल प्रोडक्ट कैटेगरी एंड मेनी मोर, आपको आराम से देखो फिर से जितने भी टाइटल्स और इमेज के टाइटल्स हैं अपने आप को रिकॉग्नाइज करके आपको यहाँ पर बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा. इवन मोर पावरफुल WooCommerce SEO फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इजिली एड टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन keyword and everything you need for on-page SEO optimization, complete support for Google Knowledge Graph and Schema Rich Sprint, easily connect with Google Search Console, Bing, Yahoo, Yandex, Wido and Pinterest Webmaster Tool, advanced e-commerce SEO support for WooCommerce, so you can optimize product page, product category or other यहाँ पर आप चीजें optimize कर सकते हैं. Automatically notify search engines like Google and Bing about changes to your sites. तो अगर देखा जाए तो अगर आप एक WooCommerce वेबसाइट चला रहे हैं और आप यूज कर रहे हैं ऑल इन वन एसईओ की फीचर्स, तो आपको देखो इजिली आपको मेटा टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर देगा अपने आप खुद के लिए, ठीक है. कंप्लीट सपोर्ट आपको मिल जाएगा नॉलेज ग्राफ का और स्कीमा रिच स्प्लिट का, आपको ऑप्शन मिल जाएगा. इजिली कनेक्ट कर सकते हैं आप सर्च कंसोल से, बिंग से, यंडेक्स से, वाइडो से और प्रिंटरेस्ट की जितने भी वेब मास्टर टूल हैं उनसे. एडवांस ई कॉमर्स सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपके प्रोडक्ट को आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज को ऑप्टिमाइज करेगा, आप जो भी चेंजेस करते हैं उसको खुद यहाँ पर गूगल के सर्च इंजन या फिर अलग वेब मास्टर टूल जो भी SRP हैं आपके उनको खुद क्रोल कराने में हेल्प करेगा. तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप यूज करेंगे वर्डप्रेस के थ्रू ऑल इन वन एसईओ, लाइक कैसे आप कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं प्लगइन के अंदर. तो उसके लिए आपको वीडियो भी लाइक करना पड़ेगा और वीडियो एंड तक यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी. तो ये आई थिंक ओवरऑल आपको काफी हेल्पफुल रहेगा कि आप किस तरह से ऑल इन वन एसईओ आप चूज करें. अगर आप प्लान देखें तो मैंने प्लान के बारे में आपको भी बता दिया है. अगर आप नॉर्मल एक या दो वेबसाइट आप चला रहे हो तो $49 से लेकर $99 तक आप यहाँ पर यूज करें, उससे ऊपर अगर आप चला रहे हैं लाइक 10 से ज्यादा वेबसाइट है देन $299. आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं प्लस प्रो और एलाइट में वो यहाँ पर API के थ्रू और लोकल SEO मॉड्यूल इमेज मिल जाएगा. आपको जो अलग प्लान है $199 वाला, उसमें आपको लोकल SEO इमेज मॉड्यूल्स, न्यूज साइट मैप्स, वीडियो साइट मैप, रिडायरेक्ट मैनेजर और 4 नॉट 4 एरर टैग ट्रैकिंग आपको यहाँ पर मिलेगा. और जो $299 में उसमें इंटरनल असिस्टेंट के साथ साथ क्लाइंट मैनेजमेंट और मल्टी साइट सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. देखो मल्टी साइज ये है क्योंकि आपके पास $299 है और 10 से 100 से ज्यादा, माफ कीजिएगा 100 के कम वेबसाइट आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो आपको जरूरत तो पड़ेगी ही. तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर ऑल इन वन SEO जितने भी यहाँ पर फीचर्स हैं आपको. अब सीधा मिलते हैं
आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, और देखते हैं किस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और क्या क्या आपको ऑप्शन मिल जाते हैं वर्डप्रेस में। तो सीधा मिलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। सो गाइस, प्लगइन आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्लगइन्स में, देन इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू। अगर आपके पास पहले से प्लगइन है तो आप अपलोड प्लगइन्स कर ले, अदरवाइज आप यहाँ पर ऑल इन वन एसईओ सर्च करके भी आप यहाँ पर प्लगइन ला सकते हैं। यू कैन सी ऑल इन वन एसईओ बेस्ट वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन इजीली इंप्रूव एसईओ रैंकिंग एंड इंक्रीज। सो रैंक मैथ एसईओ, योस्ट मैथ, योस्ट एसईओ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इन दोनों की मैं यहाँ पर ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, तो अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है तो आप हमारे एसईओ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पर आपको लिंक भी दे दूंगा। देन क्लिक ऑन एक्टिवेट। तो एक्टिवेट होने के बाद देखो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इवन नोटिफिकेशन भी आ जाएगी यहाँ पर, आपको अपग्रेड टू प्रो का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट होके आपको यहाँ पर अपग्रेड आप यहाँ पर कर सकते हैं, एक भी प्लान यहाँ पर चूज करके। सो इसको अभी रहने देते हैं, देन इसको एक बार रिफ्रेश करूँ, कम टू द, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ऑल इन वन एसईओ नोटिफिकेशन। यहाँ पर पहले सेटअप करना होगा, सेटअप में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, लाइक पर्सनल है कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप पर्सन कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो आप, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन लोग आप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन में थोड़े यहाँ पर आपको चेंजेस मिल जाएंगे, जैसे फोन नंबर, कॉन्टेक्ट टाइप, और ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में करें तो आपको यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कंट्री कोड डाल के आपका फोन नंबर, देन कॉन्टेक्ट टाइप, आप यहाँ पर अपने लोगो और जितने भी सोशल मीडिया के अगर आप देना चाह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। देन हम इसको पर्सनल पर्सन कर लेंगे, तो चूज अ पर्सन, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, नॉलेज हम बोल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपना कोई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड ऑप्शन देना है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब यूआरएल, लिंक्डइन यूआरएल, टम्बलर, येल्प, साउंड क्लाउड, विकिपीडिया, माई स्पेस, जो भी आप यहाँ पर यूआरएल देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप देके सेव कंटिन्यू। देन विच एसईओ फीचर डू यू वॉन्ट टू इनेबल, तो यहाँ पर आप सारी चीजें यहाँ पर चाहे तो, अगर आप देखो चेकआउट कर रहे हैं तो आपको नहीं चाहिए ऑप्शन, अगर चेक इन कर रहे हैं तो ऑप्शन चाहिए, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऑप्टिमाइज्ड सर्च अपीयरेंस, साइट मैप्स, एनालिटिक्स, कन्वर्जन टूल्स, इमेज एसईओ, लोकल एसईओ। आप देखो जिसके बगल में प्रो ऑप्शन आ रहा है तो वो ऑप्शन आपको शायद ना मिले, क्योंकि हम लोग अभी फ्री यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बट प्रो में देखो आपको मिल जाएगा इमेज एसईओ, मिल जाएगा लोकल एसईओ, मिल जाएगा वीडियो, न्यूज साइट मैप, स्मार्ट रिडायरेक्ट, प्लस फोर नॉट फोर डिटेक्शन, लिंक असिस्टेंट, इंडेक्स नाउ, रेस्ट एपीआई एंड एडवांस रिच स्क्रिप्ट्स और स्कीमा मार्कअप। जो यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है लिंक असिस्टेंट, वो काफी अच्छा रहेगा, गेट रिलेवेंट सजेशन फॉर एडिंग इंटरनल लिंक्स टू ऑर्डर कंटेंट एज वेल एज फाइंडिंग एनी ऑफरेंडेड पोस्ट टू हैव इंटरनल लिंक्स। तो इंटरनल लिंक्स या हाइपर लिंक्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो अगर आप देखना चाहेंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू।
क्योंकि हमारे पास प्रो नहीं है, राइट? ये यहाँ पर थोड़ा टाइम ले सकता है, डन। देन गूगल स्प्लिट प्रीव्यू, किस तरह से आपको यहाँ पर आपका जो टाइटल है वो यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ टाइटल वगैरह एडिट नहीं किया है। इट्स जस्ट अ नोटिफिकेशन किस तरह से आपको यहाँ पर रहेगा। जब हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो स्प्लिट प्रीव्यू आपको यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो देखो लाइव साइट है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, अगर आप लाइव साइट करेंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, लाइक इंक्लूड ऑल पोस्ट टाइप्स, इनेबल साइट मैप्स, डू हैव मल्टीपल ऑथर्स। मल्टीपल ऑथर्स लाइक कितने ऑथर्स हैं आपके पास, एक जैसे मैं नॉलेज हंगर से लिख रहा हूँ, या फिर आप एक्स वाई जेड आपका नाम है, तीसरा कोई पर्सन है एबीसी नाम है उसका, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ऑप्शन चाहिए होंगे तो यस। देन रिडायरेक्ट अटैचमेंट पेज, यस। देन सेव एंड कंटिन्यू। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर ईमेल देना है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। देन सेव एंड कंटिन्यू। देखो अगर आपने परचेज किया हुआ है तो जो भी आपका यहाँ पर अपग्रेड प्रो से एपीआई वगैरह आपके रहेगा, लाइसेंस की रहेगा, वो यहाँ पर पेस्ट करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो स्किप कर देंगे हम अभी। अपग्रेड प्रो फ्री, सी फिनिश सेटअप, गो टू द डैशबोर्ड पर हम लोग आ गए। तो अभी देखो एनालाइज करेगा, देखो मेरे इस वेबसाइट पे, क्योंकि मैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पिछले वो सब जानते हैं, माई एग्जाम्पल ट्यूटोरियल डॉट इन सिर्फ हमारे ट्यूटोरियल्स के लिए रहता है, हम कोई वहां पर कंटेंट नहीं डालते हैं। कोई भी वर्डप्रेस अगर वेबसाइट बनानी है, किसी भी तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट हमें ट्यूटोरियल बनाना है, तो हम इसी वेबसाइट पर हम सारे एग्जाम्पल और अपने ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो इस माई एग्जाम्पल डॉट ट्यूटोरियल पे कोई कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक हमारी लाइक ट्यूटोरियल बेस्ड वेबसाइट है, तो इसलिए मैंने इस पे एसएसएल वगैरह भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ये जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए। तो यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है, बट उसने कुछ यहाँ पर साइट को चेक किया, जैसे आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट इश्यूज, रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स और गुड रिजल्ट्स, इस तरह से आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। देन अगर हम बात करें जनरल सेटिंग्स की, आपको लाइसेंस की यहाँ पर देना पड़ेगा। जनरल सेटिंग्स में आपको वेब मास्टर टूल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई आप कैसे करते हैं, गूगल सर्च कंसोल के हमारे ऐड में आप देख सकते हैं, जो हमने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ब्रेड क्रम्स से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कोड वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, किस तरह से आप सेपरेटर यूज करें, जो आप वहाँ पर टैगलाइन आता है ये सही रहेगा। होम पेज का लिंक मिल जाएगा आपको, कंट्रोल और एडवांस फीचर्स, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। कुछ भी अनचेक इन करना है तो आप इसको सेव के साथ कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए ट्रू एसईओ स्कोर कंटेंट, यस। हेडलाइन इनर्जी चाहिए हमको, यस। पोस्ट टाइप कॉलम्स चाहिए, और बाकी सारे यहाँ पर आपको प्रो के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, यूज ट्रैकिंग और नॉन इंस्टॉल तो नहीं करना है हमको। देन सेव चेंजेस। हम सर्च अपीयरेंस की बात करें, देन अगेन आप सेपरेटर इसको इस तरह से चूज कर सकते हैं। सी द प्रीव्यू, साइट टाइटल्स के आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप किस तरह से यहाँ पर सेपरेटर या कोई टैग लाइंस आप यहाँ पर देना चाह रहे हैं। ट्यूटोरियल तो आप यहाँ पर ये साइट लाइन यहाँ पर देने के बाद आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अगर देखो मैं इनको सबको हटा दूँ, सपोज करो हम डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हैं, फ्री लाइक ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फ्री डिजिटल मार्केटिंग, देन आई कैन यूज सेपरेटर
लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन। ओके, तो ये 63 ज्यादा जा रहा है लाइक, तो हमको मिनिमम 60 करेक्टर्स रखने हैं। तो लर्न डिजिटल मार्केट आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज भी ओके, ये भी हो जाएगा। 60 आउट ऑफ 60 हो गया है, तो हमने अभी इन हटा दिया। तो वो नॉर्मली जब भी लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री और फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज टैगलाइन आएगा यूआरएल पर, एससीआरपी पे जब भी कोई सर्च करेगा और हम लोग रैंक मिल जाते हैं, तो देन आप मेटा डिस्क्रिप्शन में ये देखो नॉर्मली है। अगर आप सपोज जो भी आपकी टैगलाइन है, अगर आप साइट टाइटल यहाँ पर डालना चाह रहे हैं सेपरेटर और टैगलाइन, तो इस तरह से आप यहाँ पर नॉर्मली दे सकते हैं। अदरवाइज आपको 160 यहाँ पर रिकमेंडेशन रहती है, तो मैं लिखूंगा वी ऑफर फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस थ्रू आर यूट्यूब चैनल, लर्न इट विद प्रैक्टिकल मॉडल। ओके, सो 1106 यहाँ पर हमने अभी तक चूज किया है। अभी हमारे पास और यहाँ पर वर्डिंग बच जाती है, करेक्टर्स बच जाते हैं, बट इज इट इनफ? बट आप ऐसा कुछ यूज करें ग्रामेटिकली जो करेक्ट हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जो 160 आपके विद स्पेस यहाँ पर 160 करेक्टर्स आप पूरे यूटिलाइज कर पाए और अपनी सर्विसेज को काफी अच्छे से वहां पर एसईआरपी पर ही दिखा सके, ताकि जब भी लोग कोई सर्च करे तो आपको यहाँ पर विजिट करने से पहले आपके पेज पर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिले। अगर नॉलेज ग्राफ आप देना चाहें तो नॉलेज ग्राफ चूज ए पर्सन, सो आप यहाँ पर चूज अ पर्सन भी यहाँ पर दे सकते हैं। देन से गो टू लोकल सेटिंग्स अगेन, दिस इज फॉर प्रो। देन अगर आप यहाँ पर कंटेंट टाइप्स में आएंगे तो इन सर्च रिजल्ट्स चूज वेदर योर पोस्ट शुड बी इंक्लूड इन सर्च रिजल्ट्स, इफ यू नॉट सेलेक्ट यू सेलेक्ट नो देन योर पोस्ट विल बी नो इंडेक्स एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द साइट मैप, सो दैट सर्च इंजन इग्नोर दैम। सो अगर आप इसको नो करते हैं तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो सर्च इंजन आपके यहाँ पर आके आपको इंडेक्स नहीं करेगा। लेकिन हमको चाहिए ना, हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारी वेबसाइट इंडेक्स जो गूगल पर आए, राइट। देन पोस्ट टाइटल आप यहाँ पर चाहें तो जो नॉर्मली यहाँ पर बाई डिफॉल्ट जब भी आप कोई डालेंगे तो वो बाई डिफॉल्ट चला जाएगा, लाइक उसका पोस्ट का टाइटल क्या है। जैसे सपोज करो आप बाई डिफॉल्ट आपने ऑन किया हुआ है और आपका जो ब्लॉग है वो है वाई वाई यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2022। सो जो आपका पोस्ट टाइटल रहेगा वो वही रहेगा, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2022। सेपरेटर आ जाएगा जो भी सेपरेटर आपने यूज किया हुआ है, देन साइट टाइटल जो भी हमारे माई ट्यूटोरियल का नाम है। देन मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको पोस्ट एक्सपर्ट, जो भी आपके पोस्ट से एक अच्छी लाइन चूज करेगा वो यहाँ पर आपको यहाँ पर पुट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट अगर आप नहीं चाह रहे हैं, राइट, आप नहीं चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ले, और आपका जो कंटेंट का साइट है वो वाई वी शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग 2022 है, लेकिन आप जो एसईओ करना चाह रहे हैं, जो एसईओ का टाइटल देना चाह रहे हैं वो अलग देना चाह रहे हैं, और वेबसाइट का टाइटल आप अलग देना चाह रहे हैं, तो किस तरह से होगा? आप लिख सकते हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2020। ओके, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। देन आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन भी उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देन पेज पोस्ट के लिए भी आप सेम चीज यूज करें, प्रोजेक्ट टाइटल्स के लिए भी और बाकी सब चीजों के लिए। अब यहाँ पर सेव कर देंगे। स्कीमा मार्कअप एक पूरी वीडियो में बना चुका हूं, यहां पर ये आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, प्रो फीचर्स है। अगर आपको स्कीमा मार्कअप सीखना है, मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ आपको, अगेन एसईओ की प्लेलिस्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कस्टम फील्ड्स एडवांस अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यूज डिफॉल्ट सेटिंग, सो एसईओ मेटा बॉक्स, देन अगेन पेज, और आपके वही सेम ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर क्विक लिंक्स भी आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं जो आपको योस्ट एसईओ के रहेंगे,
लाइक आप डायरेक्टली चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं सपोर्ट, ज्वाइन कम्युनिटी और सजेस्ट अ फीचर। आपको कोई फीचर्स में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको लाइव एफएक्यू मिल जाएगा। सोशल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो आपको सोशल नेटवर्क्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लाइक जैसे आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको नॉर्मल अगर मैं फेसबुक पे जाऊं तो देखो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं ओपन ग्राफ मार्कअप, डिफॉल्ट पोस्ट इमेज सोर्सेज, आपकी जितनी भी इमेज के सोर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे पर्टिकुलर पेज के लिए। डिफॉल्ट पोस्ट पेज इमेजेस, आपकी जो इमेजेस हैं अगर आप कोई पर्टिकुलर इमेज देना चाह रहे हैं और आप बार बार चेंज नहीं करते तो डिफॉल्ट, देखो डिफॉल्ट का मतलब क्या है, जो ऐसा है जो आपने फिक्स किया है वही सेम आए, राइट। तो ये चीज आपको मिल जाती है डिफॉल्ट, आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं पोस्ट पेज अटैचमेंट और प्रोजेक्ट के बेस पर। आप टैक्सोनॉमी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, कैटेगरी टैक्स प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट टैक्स के बेस पर। आप फीचर्स शो कर सकते हैं ऑथर का, आप साइट नेम आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, आप प्रीव्यू यहाँ पर देख रहे हैं और इमेज टाइटल डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर आराम से शो कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में देख सकते हैं आप फेसबुक की एडमिन आईडी, फेसबुक ऐप आईडी, फेसबुक ऑथर यूआरएल और ऑटोमेटिकली जनरेट आर्टिकल्स टैग्स यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं और जो भी आप यस और नो करेंगे बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप सेव चेंजेस कर देंगे। देन ट्विटर में भी आपको सेम यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक इनेबल ट्विटर कार्ड, डिफॉल्ट कार्ड टाइप, डिफॉल्ट पोस्ट इमेज सोर्सेज, डिफॉल्ट पोस्ट ट्विटर इमेज, डिफॉल्ट टर्म इमेज सोर्सेज, सो ट्विटर ऑथर एडिशनल डाटा और डाटा फ्रॉम द फेसबुक। देन प्रीव्यू आप यहां पर देख सकते हैं। देन अगेन आपके आपकी जो भी सेटिंग रहेगी आपके अनुसार आप सेव चीजें इसमें चूज कर लेंगे। पिंटरेस्ट में भी ज्यादातर सेम ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको बस वेरिफिकेशन कोड करना है और आपको यहाँ पर हैप्पी गो लक्की हो सकते हैं। तो बाकी सारी चीजें देखो, सोशल आप सोशल मीडिया की जो आजकल रेंज है वो काफी आपको जरूरी है, तो आपको सोशल नेटवर्क यूज करना ही चाहिए ऑल इन वन एसईओ का, क्योंकि आप हर तरह के देखो ऑलमोस्ट सारे ही सोशल मीडिया कवर इन्होंने किए हैं, बट फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट को ज्यादा यहाँ पर इन्होंने एक जो है ना उस पर ज्यादा काम करने के लिए बोला है, अलग अलग आपको ऑप्शन भी दिए हैं क्योंकि उनकी डिमांड काफी है अगर आप देखेंगे तो, है ना। तो ये मैं सोचता हूँ क्योंकि डिमांड मुझे लगता है फेसबुक और ट्विटर और पिंटरेस्ट की भी, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर लिंक्डइन का भी अगर दे देते तो काफी अच्छा रहता, क्योंकि लिंक्डइन अगर आप एक कॉरपोरेट पर है तो लिंक्डइन ज्यादा यूजेबल है अपार्ट फ्रॉम फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट। ये मेरा सोचना है, ये मेरा मानना है। देन अगर हम बात करें, आप साइट मैप प्रिव्यू कर सकते हैं, आप साइट मैप बना सकते हैं, लिंक्स आप बना सकते हैं पोस्ट के थ्रू और एडिशनल आप पेजेस वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं इधर ओपन साइट मैप पे करूँ तो मेरे साइट मैप आपको यहाँ पर सारे दिख रहे हैं, आपको सिर्फ इतना लेके आपको ऐड करना होता है सर्च कंसोल में, ठीक है। वीडियो साइट मैप की भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, न्यूज साइट मैप, तो ये सारे आपको ज्यादातर प्रो वर्जन में ही मिलेंगे। तो अगर आप अपने बिजनेस को, अपने ब्लॉग्स को आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप पक्का इस फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। लिंक असिस्टेंट की बात करें तो ये प्रो वर्जन है, आपको यहाँ पर सारे जितने भी मुझे मुझे जो लगता है यहाँ पर आपके इंटरनल लिंक्स के बारे में आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। गेट रिलीवेंट सजेशन फॉर एडिंग इंटरनल लिंक टू योर कंटेंट एज वेल एज फाइंडिंग एनी ऑल्टरनेट पोस्ट दैट हैव नो इंटरनल लिंक्स, एक्सनेडेबल लिंक सजेशन, स्टॉप डोमेन रिपोर्ट, सी और ऑल्टरनेट पोस्ट, सी एफिलिएट लिंक। तो क्या है ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन कौन से लिंक आपके काम कर रहे हैं, किसी कोई पेज ऐसा तो नहीं जिसपे कोई इंटरनल लिंक ना हो ताकि नेविगेशन का इशू ना आए, ताकि क्योंकि क्या होता है ना, जो अगर आपके किसी भी पर्टिकुलर पेज और डोमेन या पर्टिकुलर आपके यूआरएल प्रीफिक्स जो एक पर्टिकुलर डोमेन और पेज के हिसाब से रहता है उस पर, अगर आपको अच्छा डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी और आप अपने पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट को लिंक करके रखते हैं लाइक शो मोर, अदर अदर लाइक चेकआउट और अदर कंटेंट, तो उससे एक इंटरनल लिंक बन जाता है और जो आपको हेल्प करेगा अच्छे से आपकी वेबसाइट की न्यू वेबसाइट को भी रैंक कराने के लिए और जल्दी से यहाँ पर इंडेक्स कराने के लिए गूगल से।
अगर हम रिडायरेक्शन की बात करें तो ये भी आपको अगेन एक प्रो यहाँ पर मिलेगा फीचर, आई रिडायरेक्शन मैनेजर अलाउ यू टू इजिली क्रिएट एंड मैनेज रिडायरेक्ट्स फॉर योर ब्रोकन लिंक्स टू अवॉइड कंफ्यूजिंग सर्च रिजल्ट्स एंड यूजर्स। तो ये यहाँ पर हेल्प करेगा, आपको शो करेगा कितने आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट रिडायरेक्ट यहाँ पर पेजेस नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शनल देगा, एक सजेशन देगा कि आप किससे लिंक को ऐड करें, ताकि जो सर्च के क्रोलर हैं जब वो आए आपको इंडेक्स करने के लिए तो उनको कोई इशू ना हो। एज वेल एज लूजिंग वैल्यूएबल बैकलिंक्स इट इवन ऑटोमेटिकली सेंड यूजर एंड सर्च इंजन फ्रॉम योर ओल्ड यूआरएल्स टू न्यू वंस। तो नॉर्मली वो रिडायरेक्ट कर देगा आपके जो भी लाइक सपोज करो कोई पेज है, मैंने वहां पे सर्च किया या आपने ऑप्टिमाइज किया कुछ दिन पहले, फिर वो आपने रिमूव कर दिया बट वो यहाँ बचा हुआ है लाइक यूआरएल पे। ठीक है, सपोज करो आप एक ई कॉमर्स सर्विस है, ठीक है, अभी दिवाली सेल आ रही है, आपने कोई भी नया एक पूरा पेज बनाया है जहां पर आप 30% या 40% ऑफ दे रहे हैं, देन आप रिडायरेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो जो प्रोडक्ट का लिंक है वो रहता ही रहता है हर वक्त, बट जो ये आपने ऑफर दिए हैं वो यूआरएल आपने काफी लाइक एक नॉर्मल टाइम के लिए यहाँ पर डाला, एक छोटे समय के लिए डाला या टेम्परेरी करा है, तो जब दिवाली चला गया तो आपने वो हटा दिया, बट क्या होता है ना वो गूगल कभी कभी उसको गूगल से नहीं हटता है, क्योंकि आपके पास अगर ज्यादा ट्रैफिक रहेगा तो वो शो करता रहेगा अगर उसको रैंक मिल जाती है तो ये क्या करेगा ना, जब भी कोई नया यूजर आएगा तो वो कंफ्यूज ना हो कि मैं कहाँ चला गया, तो 404 के थ्रू या फिर रिडायरेक्ट के थ्रू आपके होम पेज पर या फिर बेस्ट विजिटेड पेज पर आपको वो भेज देगा। फास्ट सर्वर रिडायरेक्ट, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट मॉनिटरिंग, 404 मॉनिटरिंग, फुल साइट रिडायरेक्ट एंड साइट एलायस, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लोकल एसईओ में भी देखो सेम ये सारे फीचर्स, सब सारे आपको ये प्रो वाले ही हैं। अब देखो नॉर्मल यहाँ पर लोकल बिजनेस स्कीमा मिल जाएगा, लाइक आप मैप वगैरह यूज कर सकते हैं, वीडियो वगैरह यूज कर सकते हैं, अपना एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं, फोन नंबर, बिजनेस इन्फॉर्म, लोकेशन, देखो नॉर्मली मल्टीपल लोकेशन आप डाल सकते हैं, डिटेल्ड एड्रेस और कॉन्टैक्ट और पेमेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं लोकल एसईओ में। एसईओ एनालिसिस में आपको यहाँ पर ये काम की चीज है, तो जितना भी चीजें रहेगी, सपोज आपके पास सोचो आपके पास काफी ज्यादा पेजेस आपने ऐड किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ओवरऑल साइट स्कोर कितना है आपका, देन बेसिक एसईओ हुआ है सबका कि नहीं हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, पेजेस के टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे कोई कीवर्ड मिसिंग तो नहीं है, H1 H2 टैग कैसे हैं, ये सब चीजें यहाँ पर आपको मिलेगा। और आप जितनी देखो ये जो प्लस है वो सही है, जो माइनस है वो गलत है, तो वो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा इनके एनालिसिस के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पैसे, ये जितना भी आपका डेटा है वो यहाँ पर मिल जाता है। देन इम्पोर्टेंट इश्यूज आपको यहाँ पर दिखाएगा, लाइक नो मोर डिस्क्रिप्शन वॉज फाउंड, तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा, बोथ द पेजेस टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आर मिसिंग कीवर्ड्स, जितने भी पेजेस हैं या फिर एक पर्टिकुलर पेज पे आपने यहाँ पर कीवर्ड नहीं है तो वो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन भी आ जाएंगे कि किस पर्टिकुलर पेज या किस पर्टिकुलर पोस्ट पर आपने यहाँ पर कीवर्ड्स या फिर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, रिकमेंडेशन यहाँ पर मिल जाएगा, रिजल्ट से भी रिलेटेड मिलेंगे आपको। देन टूल्स अगर देखें तो आपको यहाँ पर ये काफी रोबोट और PHT एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डाटाबेस टूल और सिस्टम स्टेटस यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर लिंक जितने भी टूल्स हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको, और ये सारे अपग्रेडेड टूल हैं, तो अगर आप अब अच्छे से अपनी वेबसाइट का SEO करना चाह रहे हैं तो ऑल इन वन SEO का जो भी आप प्लान लेना चाहें वो आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलो अब एक थोड़ा सा नया पेज बना के मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आप उसका SEO कर सकते हैं ऑल इन वन SEO के थ्रू। तो सपोज कर लो कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ही है, ठीक है, तो आप जब भी इसको ट्रेनिंग कर लेंगे, लाइक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, आप जो भी आप कंटेंट डालेंगे तो कंटेंट का लेंथ अच्छा होना चाहिए, मिनिमम आई थिंक 700 से लेके मिनिमम आप 3000 तक वर्ड्स या करेक्टर्स जितने भी आप डाल सके वो डालें, ताकि आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाए कंटेंट के बेस पे। तो कंटेंट कुछ है नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको स्कोर दिख जाएगा, क्या स्कोर है आपका, देन आप यहाँ पर ऑल इन वन का स्कोर भी आप देख सकते हैं।
इस तरह से आपको कुछ ये मॉडल मिलेगा, आप यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेस्कटॉप एंड मोबाइल। ठीक है, आप ये चाहे तो पेज टाइटल में आके आप चेंज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ये यहाँ पर नंबर आपको याद रखने हैं 60 मिनिमम। डिजिटल देन आप मेटा डिस्क्रिप्शन इसी हिसाब से आप दे सकते हैं, 160 करेक्टर आपको मिल जाएगा। लर्न डिजिटल ओके, और जो भी आप यहाँ पर 160 करेक्टर्स आप कर पाए। अभी एड कीवर्ड किसे आप सर्च करते हैं, तो कीवर्ड आप हमारे जो सर्च है, लाइक हमने बनाया हुआ है वीडियो, लाइक आप कीवर्ड कैसे सर्च करेंगे लोकल बिजनेस के लिए, आप कीवर्ड कैसे सर्च करेंगे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फोकस कीवर्ड में डालें फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो ये आप नॉर्मली देख लेंगे कि आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स पे जाना चाह रहे हैं। तो मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा अपनी पूरी एसईओ प्लेलिस्ट, जो आपको हेल्प करेगी किस तरह से आप कीवर्ड सर्च करें, कैसे आप यहाँ पर अपना कंटेंट लिख सकते हैं, किस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप नए आए हैं वीडियो पर, यहाँ तक आ चुके, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। देन आप यहाँ पर और तो देखो आपको स्कोर मिल जाएगा, तो ठीक है 61 यहाँ पर स्कोर है आउट ऑफ 100। और ऑप्शन देखो आपको मिलेगा फोकस की फ्रेज एसईओ टाइटल, फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, फोकस की फ्रेज लैंड, फोकस की फ्रेज इन यूआरएल, और ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर इसका आप अपग्रेड प्लान लेते तो आपको और कीवर्ड यहाँ पर ऐड करने को मिल जाएंगे। देन पेज के एनालिसिस उन्होंने किया, देखो कंटेंट तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कंटेंट दिखा भी नहीं रहा है। तो जितनी भी आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन मिलती है, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से आप वहां पर अपने कंटेंट को या फिर अपने कीवर्ड्स को या फिर अपने जो फोकस कीवर्ड यूज किए हैं और जो रिलीवेंट की फ्रेज है उनको आप चेंज कर सकते हैं। देन टाइटल देखो आप, टाइटल के भी यहाँ पर रीडेबिलिटी आपको दिखा देगा, नॉर्मली आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। सोशल मीडिया वाले प्लेट पे जाऊं तो फेसबुक के टाइटल वगैरह आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर फेसबुक पे भी टाइटल आप सेम डाल देंगे तो काफी अच्छा रहेगा, इवन ट्विटर पे भी। आप यहाँ पर स्कीमा का ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन वो प्रो में मिलेगा, तो आप स्कीमा भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, तो ये आपको प्रो में मिल जाएगा। बट हमने आपको बताया हुआ है टेक्निकल एसईओ के थ्रू आप कैसे स्कीमा बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वीडियो भी आप यहाँ पर देख लें। नॉर्मल पूरा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी एसईओ की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको आप चेक करेंगे, उसमें आपको सब चीजें मिल जाएगी। आपको उसमें कीवर्ड से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, ऑन पेज ऑफ पेज, आपको वहां पर इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स है रैंक मैथ योस्ट, ये सब चीजें मिल जाएंगी। आपके टूल्स AHRF वगैरह से रिलेटेड, इंटरनल लिंक से रिलेटेड, बैकलिंक से रिलेटेड, पूरा आपको वहां पर मसाला मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा एसईओ सीखने के लिए। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा वो एक बार पूरा प्लेलिस्ट देखें ताकि आप यहाँ पर सीख पाए एसईओ काम कैसे करता है। देन लिंक असिस्टमेंट यहाँ पर मिल जाएगा, कितना लिंक आपके हैं इंटरनल, और रिडायरेक्ट की भी आप ऑप्शन दे सकते हो, एडवांस सेटिंग भी यहाँ पर, क्रॉनिकल और बूट टैक्स वगैरह आप यहाँ पर देखें अपडेट कर देंगे नॉर्मली, तो आपका वेबसाइट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और आपको बाद में गूगल सर्च कंसोल में जाके ये पर्टिकुलर पेज आपको वहां पर क्रॉल कराना है। सो गाइज, आई होप ऑल इन वन एसईओ का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और उनको भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखना चाह रहे हैं तो नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा।
अगर आप लाइव प्रोजेक्ट के साथ और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ आप सीखना चाह रहे हैं, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटर मिले जो एक्सपर्ट है, जिसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सिखाने के लिए, तो आप यहाँ हमारे www.knowledgehunger.com पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं हमारे अपकमिंग बैचेस। 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ साथ आपको वीकडेज और वीकेंड के बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। और आज मैं रिकमेंड करूंगा जो हमारे नए यूजर्स हैं, पहले वो सब्सक्राइब तो करें और लाइक करें इस वीडियो को, और मैं उनको रिकमेंड करता हूँ प्लेलिस्ट हमारी जो है एसईओ कोर्स इन हिंदी। आप जाकर वहां पर सीख सकते हैं कि किस तरह से आप आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, क्या होता है ऑन पेज ऑफ पेज, किस तरह से स्कीमा आप बना सकते हैं, और कौन कौन से टूल्स आपको मिल जाते हैं, जो प्लगइन्स हैं या फिर एक पर्टिकुलर टूल्स हैं जैसे AHRF और प्लगइन हो गए जैसे रैंक मैथ, योस्ट एसईओ, और आज हमने जो बात की ऑल इन वन एसईओ की, तो जो हेल्प करेंगे आपको एक डिजिटल मार्केटर बनने के लिए। वर्डप्रेस की आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट है जो आपको हेल्प करेगी किस तरह से आप वेबसाइट बनाएं, और गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स पर आप देखें किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल पर जो आपको हेल्प करेगा डेटा से रिलेटेड, वेबसाइट को क्रॉल कराने से रिलेटेड, आपकी वेब की स्पीड देखने से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें। और एनालिटिक्स आपको हेल्प करता है कितने यूजर्स और क्या क्या आपके कीवर्ड वहां पर यूज हुए हैं यूजर्स को आने के लिए। तो ये सारी तीनों चारों प्लगइन्स में, माफ कीजिएगा, तीनों चारों प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। और प्रीमियम सीखने के लिए जहां पर आप प्रोजेक्ट, आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिलेगा जहां पर एक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे, तो उसके लिए आप www.knowledgehunger पर जा सकते हैं। अभी के लिए वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।